खूनी खेल में हाथी जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद हाथी दोबारा से उठते हैं और दौड़कर एक घोड़े पर चढ़ जाते हैं। घोड़े पर चढ़ने के बाद हाथी तलवार को नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। उसके बाद हाथी उस पर तलवार से वार करके उसे खत्म कर देते हैं। उसके बाद हाथी उन घोड़ों पर बैठकर हाथी उस दूसरे घुड़सवार को भी खत्म कर देते हैं। उस घुड़सवार को खत्म करते ही हाथी उस खूनी खेल को जीत जाते हैं। तभी दज्जाल कहता है, अपने औरतों की हार कबूल करो सकीला, जीतने वाले को जीत की खुशी मनाने दो, फिक्र मत करो, इस खेल में हार की वजह से हम तुम्हें कमजोर करार नहीं देंगे, तुमसे किया हुआ वादा हम पूरा करेंगे, आज रात तुम्हें सैतानी सल्तनतों के बादशाह की सभा में शामिल कर दिया जाएगा। हातिम को वह खूनी खेल जीतने के बाद हातिम को उनका इनाम जैस्मिन को उन्हें सौंपा जाता है। उसके बाद हातिम जैस्मिन को वहाँ से लेकर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जैस्मिन कहती है, मुझे छोड़ दो जाबाज, तुम भले ही इस खूनी खेल को जीत चुके हो लेकिन तुम हातिम से नहीं जीत सकते, अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तभी हातिम कहती है, इतना प्यार करती हो तुम हातिम से? तभी जैस्मिन कहती है, अपनी जान से भी ज्यादा। तभी हाथी कहते हैं, तो फिर शर्त लगा लो, अगर मेरी सूरत देखोगी तो तुम अपने हातिम को भूल जाओगी। तभी जैस्मिन को याद आता है, यह बात तो मैं कूपा टूपा में हातिम से कही थी, तो आप यह शर्त लगा लीजिए, अगर आप मेरा शक्ल देखेंगे तो आप जैस्मिन का शक्ल भूल जाएंगे। तभी हातिम अपना चेहरा उस मुखौटे से हटाते हैं। तभी जैस्मिन हातिम को देखकर बहुत खुश होती है और उसके होश का ठिकाना नहीं होता। तभी जैस्मिन कहती है, मैं जानती थी हातिम, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे, मुझे यकीन था। तभी हातिम कहते हैं, अब दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। तभी वहाँ होबो और टुनकी आती हैं। तभी होबो कहता है, अच्छा हुआ जैस्मिन तुम हमें यही मिल गई, अब हमें यहाँ से निकलकर हमें कोहिंदा का राज तलाश करने जाना होगा। तभी हातिम कहते हैं, दज्जाल कभी भी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वह अपने हाथों से मुझे जैस्मिन को लौटा देगा, उसे यह हार का अफसोस पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। तभी जैस्मिन कहती हैं, नहीं हातिम, अभी हम दज्जाल को पूरी तरह से नहीं हरा पाए हैं, सुनैना दज्जाल के पास है। बहुत जल्द दज्जाल सुनैना से शादी कर लेगा। तभी हातिम कहते हैं, नहीं ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपने कमरे में बैठी होती हैं। तभी वहाँ दज्जाल आता है और दज्जाल कहता है, तुम्हारे शर्त के मुताबिक मैंने जैस्मिन को जिंदा छोड़ दिया, सकीला को सैतानी सल्तनतों की बादशाह की सभा में शामिल होने के बाद हम यहाँ से जफ्फार की ओर रवाना होंगे। और कहता है, सुनैना कल हमारी शादी है। और दज्जाल कहता है, शादी होते ही हम तुम्हारे भाई की जिंदगी वापस लौटा देंगे, जैस्मिन के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, अपने भाई के लिए खुशी हो। तभी दज्जाल के जाने के बाद उस समय बाद सुनैना के कमरे में हातिम कपड़े से अपना चेहरा ढककर आते हैं और सुनैना को कुछ कपड़े देते हैं और कहते हैं, इसे पहन लो और फौरन चलो मेरे साथ। तभी सुनैना पूछती है कि कौन हो तुम? तभी हातिम अपना चेहरा दिखाते हैं। तभी सुनैना हातिम को देखकर बहुत खुश होती है और हातिम कहते हैं, मैं कभी भी तुम्हें दज्जाल के साथ शादी नहीं करने दूँ। तभी सुनैना कहती है, इसका मतलब वह जाबाज और सुनैना को जीतने वाले तुम ही थे। उसके बाद हातिम सुनैना को लेकर जैस्मिन, होबो और टुनकी के पास जाते हैं। तभी हातिम कहते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सरदार के लोग जादुई नगरी से बाहर जा रहे हैं, यही वह समय है जहाँ से हम बाहर निकलेंगे। तभी महारानी सकीला को पता चलता है कि सुनैना अपने कमरे में नहीं है। तभी दज्जाल और सकीला सुनैना के कमरे में जाती है तो वे सुनैना को नहीं पाते। तभी सकीला कहती है, जादूगर बादशाह आप फिक्र मत कीजिए, यह सकीला की जादुई नगरी है, यहाँ से चाहकर भी कोई सकीला की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकता। वही दूसरी तरफ हातिम सरदार के आदमियों के बीच होकर सुनैना को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ भागती हुई सकीला आती है और कहती है, दरवाजा बंद कर दो, कोई भी बाहर न जाने पाए। तभी दरवाजा बंद कर दिया जाता है। तभी हातिम कहते हैं, लगता है सकीला को सुनैना के वहाँ न होने के बारे में पता चल गया। तभी सकीला के कहने पर सभी लोगों का नकाब हटाकर उनकी तलाशी करते हैं। तभी वह वहाँ जैस्मिन को देखती है और जैस्मिन से पूछती है, अगर तुम जफ्फार के होने वाली महारानी के बारे में कुछ भी जानती हो तो बता दो। तभी जैस्मिन कहती है, नहीं मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी सकीला उस जाबाज को कहती है, अपना नकाब हटाओ, लेकिन हातिम अपना नकाब नहीं हटाते। तभी वह कहती है, सुनाई नहीं देता क्या, अपना नकाब हटाओ वरना जान से जाओगे। तभी हातिम जैसे ही अपना नकाब हटाते हैं तभी वह हातिम को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। तभी हातिम उस पर तलवार से वार करने वाले होते हैं। तभी सकीला अपने जादू की मदद से हातिम के नीचे की जमीन को हटा देती है। उसके बाद हातिम और उनके साथी जमीन के नीचे एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं।
तभी हुबो कहता है, हातिम हातिम हम ये कहाँ आ गए, इस आग में तो हड्डियाँ भी जलकर राख हो जाएंगी। तभी सुनैना कहती है, क्या हम यहाँ से जिंदा भी निकल पाएंगे। तभी हातिम कहते हैं, हिम्मत से काम लो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। तभी अचानक उनके सामने जमीन के अंदर रहने वाले कुछ अजीब से प्राणी उनके चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हातिम अपने तलवार की शक्तियों की मदद से उन सबको वहाँ से दूर कर देते हैं। उसके बाद हातिम उस जहन्नम की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक विशालकाय आग का दानव आता है। तभी वह आग का दानव हातिम पर आग से वार करता है, लेकिन हातिम उसके हर वार को अपने तलवार की मदद से रोक देते हैं। तभी वह शैतान कहता है, जहन्नम की आग से तो तुम बच गए, कमाल है, कौन हो तुम। तभी हातिम कहते हैं, खैर चाहते हो तो हमें बाहर जाने का रास्ता बताओ। तभी वह कहता है, तुम कोई मामूली इंसान नहीं लगते, तुम्हारी तलवार भी मामूली नहीं। तभी हुबो कहता है, अच्छा तो आप समझ गए, तो हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। तभी वह कहता है, जहन्नम में आकर भी भला कोई बाहर गया है क्या, यहाँ सिर्फ आते हैं लोग, यहाँ से जाते नहीं। तभी टुनकी कहती है, शैतान जी यहाँ तो बुरे लोग आते हैं, वह भी मरने के बाद। और हुबो कहते हैं, ना हम मरे हैं और ना ही हम बुरे लोग हैं, और हातिम तो नेकी के फरिश्ते हैं। तभी वह आग का दानव कहता है, यही तो हम भी जानना चाहते हैं। तभी हातिम बताते हैं कि मैं यमन का शहजादा हातिम हूँ। तभी वह कहता है, हातिम यानी दज्जाल का दुश्मन, यानी मेरे दुश्मन का दुश्मन, समझ गया, अब मैं तुम्हें जरूर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगा। तभी वह उन्हें हातिम को बाहर जाने वाले दरवाजे के पास लेकर जाता है और कहता है, मगर यह रास्ता खतरों से भरा है, तुम्हें अपने पूर्व जन्म से होकर गुजरना होगा। तभी हातिम कहते हैं, इसका मतलब मुझे अपने पिछले जन्म, अपने पुरान जन्म से होकर गुजरना होगा। तभी जैस्मिन पूछती है, क्या कोई और रास्ता नहीं है। तभी वह बताता है, नहीं और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद वे सभी दरवाजे से होते हुए उस पार आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ जफ्फार में दज्जाल का शैतान कहता है, अनजाने में शैतान ने मेरा भला कर दिया, अब मैं सुनाना की हिफाजत और हातिम के खात्मे का इंतजार करूंगा, जिसमें उलझकर हातिम अपना हर रास्ता, अपना हर मकसद, अपना हर मंजिल को भुला देगा। उसके बाद दज्जाल के शैतान की ताकत वहां से चली जाती है और वह शैतान की ताकत किसी पिरामिड के अंदर जाती है। पिरामिड के अंदर जाने के बाद वह शैतान किसी ताबूत में बंद किसी मम्मी को जिंदा कर देता है। तभी दज्जाल की शैतानी ताकत की वजह से वह मम्मी जिंदा हो जाती है। वही दूसरी तरफ हातिम और उनके साथी किसी रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हातिम चलते चलते उसी पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वह मम्मी जिंदा हो रही थी, लेकिन हातिम को आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद हातिम और उनके साथी वे सभी लोग उस पिरामिड के अंदर जाते हैं। तभी हातिम के अंदर जाने पर वह दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर जाने पर उन्हें बड़ी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके बाद हातिम सभी आवाजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। उसके बाद हातिम और उनके साथी उस दरवाजे को खोलते हैं। वही पिरामिड के अंदर वह मम्मी जाग रही होती है और वह अपने ताबूत से बाहर निकलती है और वहीं हातिम भी आ रहे होते हैं। तभी अचानक हातिम के सामने वह मम्मी आती है और वह मम्मी हातिम को देखकर कहती है, हारून हारून आ गए तुम। तभी हातिम कहते हैं, हारून हारून कौन। तभी वह कहती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, हारून मैं तुम्हारी शहजादी रुबीना, 3000 सालों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। तभी होबो उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तभी वह अपने शक्तियों की मदद से होबो पर वार कर देती है। तभी वह अपने शक्तियों की मदद से एक एक करके सब पर वार करती है, लेकिन उसके जादू का असर सुनैना पर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो हातिम को लेकर जा रही होती है। तभी हातिम को होश आता है। तभी हातिम पूछते हैं, तुम मुझे बंधक बनाकर क्यों रखी हो, तुम चाहती क्या हो, मेरे साथी कहाँ हैं। तभी वह कहती है, सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ मेरे हारून, सिर्फ अपने रुबीना को याद रखो। तभी हातिम कहते हैं, मैं हारून नहीं, मैं हातिम हूँ, हातिम, और मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तभी वह कहती है, तुम हातिम इस जन्म में हो, 3000 साल पहले तुम मेरे हारून थे। और वह अपने पिछले जन्म के बारे में बताती है कि तुम मेरे मुल्क के एक बहादुर सेनापति थे जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, तुम्हारी तूफानी ताकतों के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था, और लड़ाई जीतकर तुमने मेरे हाथों से मेरा इनाम पाया था, और मैं अपना दिल हार बैठी। पहली और आखिरी बार मैंने दिल में कोई जगह बनाया। और बताती है, राजघरानों की परंपरा को तोड़कर हम एक दूसरे से शादी करने वाले थे, मैं महल में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मेरे अबू के सिपाही आकर तुम्हें मेरी आंखों के सामने जान से मार दिया, और तुमसे प्यार करने की सजा मुझे मिली,
उन्होंने मुझे ताबूत में बंद कर दिया और मेरे अब्बू बादशाह कहे थे। एक गुलाम सैनिक से प्यार कर रुबीना ने राजघराने की परंपरा को तोड़ा है, हमारा सर शर्म से झुका दिया है। रुबीना के इस सजा के बारे में सुनकर राजघराने की कोई लड़की आइंदा यह गलती कभी नहीं करेगी और बताती है 3000 साल इस ताबूत में बंद रही सिर्फ इसी उम्मीद से कि तुम एक दिन जरूर आओगे, हम फिर मिलेंगे। तभी हातिम कहते हैं झूठ, यह सब कुछ झूठ है, झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तभी अचानक होबो और जैस्मिन को होश आता है, तभी वे चारों हातिम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी अचानक होबो के सामने एक बक्सा गिरता है जिसमें एक किताब होता है। तभी अचानक कुछ मम्मी वहां से निकलती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि वे लोग होबो पर हमला नहीं करती और वे वहां से चले जाते हैं। तभी सुनैना कहती है मगर ये लोग हम पर हमला किए बगैर चुपचाप यहां से क्यों निकल गए। वहीं दूसरी तरफ रुबीना कहती है आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी जहां से हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। तभी वो अपने शक्तियों की मदद से हातिम को गायब कर रही होती है। तभी वहां पर हातिम और उनके साथी आते हैं और हातिम को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी रुबीना उन पर हमला कर देती है। तभी वो सुनैना पर भी हमला करती है लेकिन उसके जादू का असर सुनैना पर नहीं होता। तभी हातिम कहते हैं आगे बढ़ो सुनैना, इसके ताकत का असर तुम पर कोई असर नहीं कर रहा है, आगे बढ़ो। तभी सुनैना तलवार से जंजीर को काट कर हातिम को आजाद कर देती है। तभी हातिम उन सब पर हमला करके उन लोगों को लेकर वहां से भागते हैं। तभी रुबीना कहती है हारून तुम उस लड़की के लिए मुझे ठुकरा नहीं सकते, मैं तुम दोनों को श्राप दे दूंगी। तभी हातिम कहते हैं तुम्हें जो करना है उसको करो और हातिम उन सबको लेकर वहां से भागते हैं। तभी रुबीना कहती है हारून अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी की और नहीं हो सकते, तुम दोनों की इसकी सजा भुगतनी होगी, तुम दोनों साथ रहकर भी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते रहोगे, यह मेरा श्राप है। तुम जैसे ही यहाँ से निकलोगे सबसे पहले मेरे श्राप का असर जैस्मिन पर होगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस पिरामिड से बाहर निकल जाते हैं। तभी अचानक वह जमीन हवा में उड़ने लगती है। तभी वे सभी नीचे कूद जाते हैं और वह पिरामिड हवा में उड़ता जा रहा था। तभी अचानक जैस्मिन एक कबूतर के रूप में बदल जाती है। तभी सुनैना कहती है यह उस शैतान बुढ़िया के श्राप का असर है। वहीं वह पिरामिड हवा में जाकर गायब हो जाता है। तभी जैस्मिन बनी कबूतर हातिम के ऊपर आकर बैठ जाती हैं। तभी सुनैना कहती हैं उस शैतान बुढ़िया ने कहा था हातिम का उसका श्राप सिर्फ वही तोड़ सकती है। तभी होबो कहते हैं शहजादी को ठीक करने के लिए हमें उसे ढूंढना होगा हातिम। तभी हातिम कहते हैं वह दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए उस तक हम पहुँचेंगे। तभी होबो कहता है न जाने हमारे तकदीर में क्या लिखा है, हर बार कोई न कोई मुसीबत हमारे रास्ते आकर खड़ी हो जाती है, दज्जाल के सवालों का जवाब छोड़कर हम हमेशा किसी और तलाश में जुड़ जाना पड़ता है। तभी सुनैना कहती है यह सारी मुश्किलें दज्जाल जानबूझकर पैदा कर रहा है ताकि उन सवालों का जवाब तलाशने का मुद्दत खत्म हो जाए और हातिम उन सवालों का जवाब न तलाश पाए ताकि वह शैतान मुझसे शादी कर सके। तभी हातिम कहते हैं ऐसा हरगिज नहीं होगा, दज्जाल चाहे जितनी मुश्किलें पैदा कर ले लेकिन मैं मुद्दत खत्म होने से पहले सारे सवालों का जवाब ढूंढ लूंगा। और हातिम कहते हैं तुम फिक्र मत करो जैस्मिन, हम जल्द ही रुबीना तक पहुंच जाएंगे और उसका श्राप उसे वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ रुबीना उस पिरामिड के साथ किसी दूसरी जगह पर जाकर स्थापित होती है और वह एक महल के रूप में बदल जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है और वह हारून के तस्वीर के पास जाती है और कहती है मैं आ गई हारून, अब तुम्हारा इंतजार है तुम्हें यहाँ आने को और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत जल्द मेरे पास आओगे, तुम मुझे भुला नहीं सकते, आज जब चांद निकलेगा तब तुम मुझसे मिलने के लिए तड़पोगे, बस इंतजार है चांद निकलने का।